क्लास के अंदर ही रिवीजन खत्म करने की कोशिश करें। मैं तरीका मैंने पहले भी बताया, मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर सकता हूं, करना आपको ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री सर, प्लीज बता दीजिए नोट्स रिवाइज करने में कितना टाइम लगाना है। ये मैं ऐसे कोई ना हवाई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हमने क्लासेस ले रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, डजंट मैटर, ठीक है। क्लास के अंदर ना देखो टाइम ऐसा आ गया है, नाउ आपको पुराना रिवाइज भी करना होता है जो भी आपने पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। अगर अभी तक भी नॉन सीरियस रहे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो है सीरियसनेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास के अंदर ही रिवीजन खत्म करने की कोशिश करें। मैं तरीका मैंने पहले भी बताया, मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर सकता हूँ, करना आपको ही पड़ेगा। पहली बात तो क्लास लेते टाइम आप शांत जगह पर बैठें, वो उसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, आपने हेडफोन एयरफोन्स वगैरह अच्छे से लगा रखे हों, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा महंगे परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टीचर जो पढ़ा भी रहा है ना, ठीक है, पेन तो मतलब कि ना ऐसे चलना चाहिए, टीचर आप कैमरे में देख रहे हैं तो पेन तो नीचे ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, पेन नीचे चलता रहना चाहिए, पेन ऐसे नीचे देख, इज एम एम वो देख देख के नहीं लिखना है, पेन तो नीचे चलता रहना चाहिए। नोट्स की थोड़ी हैंडराइटिंग खराब होगी ना, हो जाएगी, 2-4-5 दिनों में अपने आप सेटिंग हो जाएगी, उसकी टेंशन ना ले, ठीक है। साथ में जो टीचर बोल भी रहा है ना, बस उसको रिपीट कर लो उसके साथ। मैं बता रहा हूँ उस क्लास का रिविजन टाइम आपके लिए बहुत कम हो जाएगा, टाइम बचेगा पिछले चैप्टर्स का रिवाइज करिएगा। मुझसे मेरा टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पर, हाँ जा सकते हो बेटा, जा सकते हो आप, ठीक है, मुझसे मेरा टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पा रहा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए टाइम टेबल को ना, इतना रिजिड मत बनाइए, ठीक है। आप 12 घंटे की जगह 6 घंटे का बनाइए, शाम तक अगर फॉलो हो जाएगा ज़्यादा खुशी होगी, एज कम्पेयर टू बनाया 12 घंटे का था, किया हमने सिर्फ 3 घंटे, तो थोड़ा फील ज़्यादा होगा आपको। क्या हम DPP सॉल्व करें या PYQ सॉल्व करें? अगर आप मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं PYQ सारे कराई देता हूं साथ में, ठीक है। बट अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि टीचर ने 2 कम करवा रखे हैं, पूरे करवा रखे हैं, 2-4 तो मेरे से भी छूट जाते हैं, तो किसी और टीचर से भी छूट सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आप PYQ बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। रिएक्शन रोज रिवाइज करनी है क्या? नहीं यार, मैंने बताया ना, जैसे आज भी जितनी रिएक्शन कराई है ना, मोटा मोटा देखा जाए तो सिर्फ 5 या 6 लाइनों में खत्म हो रही है, ठीक है। वो अब आप देखोगे इतना बड़ा बड़ा पेज लिख दिया, अरे करना कुछ नहीं था, कोई भी इंटरहैलोजन हो HX डैश बनेगा और जो बाकी बचा होगा वो बन जाएगा। डैश कौन बनाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ये सारा थोड़ा रट्टा मारूंगा यार, इतनी सी लाइन याद कर ली, खत्म हो गया काम। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री सर, प्लीज बता दीजिए। भाई चैप्टर तो हर एक इंपॉर्टेंट होता है यार, नोट्स रिवाइज करने में कितना टाइम लगाना है? जितना कम से कम लगा सको यार। मैं बोलता रहा हूँ कि अगर क्लास में आप अपना फोकस बढ़ाएंगे ना, ठीक है, यू हैव टू बी, मतलब मेंटली फिजिकली आपको यहाँ पर ही होना चाहिए। इतने बुरे हालात होने चाहिए क्लास के अंदर, कोई एक रूम में आए जाए, बाहर से जितना मर्जी शोर आ रहा हो, यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास। बिलीव मी, जब आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल क्लास के अंदर रखेंगे, रिविजन के लिए कम टाइम लगेगा। ये मैं ऐसे कोई ना हवाई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हमने भी लाइफ में पढ़ा है, हमें भी कुछ पता होगा, तो मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, ना कि एज ए टीचर, ठीक है। आप अपना क्लास का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाइए, देखिए रिविजन में अपने आप कम टाइम लगना शुरू हो जाएगा।